अंजील मुक़दस बा मुताबिक मुक़दस योहाना उसका चौदह बाप एक से बारह आयत तुम्हारा दिल ना घबराए तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लूँगा ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो और वहाँ की राह तुम जानते हो तोमा ने उससे कहा खुदावन हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है तो हम वो राह क्यों कर जाने यसु ने उससे कहा राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ कोई मेरे वसीले के बग़ैर बाप के पास नहीं आता अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है फैलबूस ने उससे कहा ए खुदावन बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है यसु ने उससे कहा ए फैलबूस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ क्या तू मुझे नहीं जानता जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है ये बातें जो मैंने तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ बल्कि उनसे भी बड़े करेगा क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ अंजील मुक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो खुदा का मुसी खुदावन अजीज़ भाई और बहनों आज पाशका का पाँचवा इतवार है आज की पातंजील का एक अहम इकतबास अहम आयद खुदा मसी का यह कहना है कि राह हक और ज़िंदगी में हूँ इस बात को सामने रखते हुए टामस अकम्पस का एक कौल सामने आता है कि बग़ैर रास्ते के सफ़र पर कैसे रवाना हुआ जा सकता है और सच्चाई के बग़ैर किसी भी चीज़ का जानना क्या मानी रखता है और बग़ैर जिंदगी के जीना क्या है बेशुबा बिलाशुबा ये तमाम अल्फाज बहुत वजात तलब हैं लेकिन फिर भी इन तीनों में मुकदस युना रसूल की इंजील के मुताबिक खुदा यसमसी जिन बातों पर हमारा ध्यान लगाता है वो मुखसर तौर पर यूँ कहा जा सकता है कि अबदी अज़ली और कामिल सच्चाई भी वो खुद है हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता वसीला जरिया और मंजिल भी वो खुद है और जैसे वो रास्ता खुद है इसका मतलब है मंजिल भी वही खुद है लिहाजा आज के ज़िले मुकदस में आखिरी खाने के बाद गुलान यसु मसीह जब यहूदा अखरियूती यु मसीह को पकड़वाने के लिए रवाना हो जाता है तो अपने रसूलों के साथ अपना अलविदा ख़ताब करता है और अपने रसूलों से आज की इंजील के हवाले से चार बातों की उन्हें सोचने की और ईमान लाने की दावत देता है नंबर एक तुम्हारा दिल ना घबराए खुदा की कुदरत पर ईमान लाए हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ नंबर दो यसु मसीह की बातों से ये कहा जा सकता है कि वो कहता है मेरा जाना ज़रूर है मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा लेकिन जाऊंगा तो तुम्हें फिर लेने आऊंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ होंगे एक बड़ी उम्मीद है तीसरी बात मुकदस योहन्ना रसूल लिखता है कि खुदा यसमसी कहता है और वह मुकदस तमा के सवाल पर कि तू कहाँ जाता है हम वो मंजिल नहीं जानते तो कहाँ जाता है तो हम वो राह क्यों कर जानेंगे तो खुदासमसी कहता है कि राह और हक और ज़िंदगी में हूँ कहा जाता है कि यूनानी ज़ुबान में जहाँ ये अकबास लिखा हुआ है वहाँ हर एक लफ्ज़ के साथ कि राह मैं हूं, हक मैं हूँ ज़िंदगी मैं तीनों अलग अलग मैं हूँ के कलमात के साथ लिखे हुए हैं यहाँ ख़ुदास यस्मसी खरूज की किताब के उन अल्फाज को इस्तेमाल करता है जहाँ मूसा ने जब उसे पूछा कि लोग मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है तो मैं क्या कहूँगा तो खुदा उसको फरमाता है कहना कि मैं हूँ जो हूँ उसने मुझे भेजा है तो खुदा उन जिसम से अपने लिए वही अल्फाज कहता है मैं हूँ जो हूँ आई एम अज की इंजील का चौथा पहलू मुक़दस फलबूस की ख्वाहिश का जवाब के बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस हैं खुदा मुजसम से कहता है मैं और बाप एक हैं बाप मुझ में है मैं बाप में हूँ मेरा यकीन करो अगर मेरा यकीन नहीं करते हो तो मेरे कामों के सबब से यकीन करो इसका मतलब मैं वो सब काम जो करता हूँ बाप की कुदरत के साथ करता हूँ जिन बातों की उम्मीद और तो खुदा बाप से है मैं सब काम वही करता हूँ और नतीजतन ये बात कही जाती है और ये कही जा जा सकती है कि वो बाप के साथ कामिल कामिलयानगत रखता है और बाप के साथ कामिल वहदानियत का यकीन दिलाता है जब खुदाउन मसीह ये कहता है कि मैं हूँ तो पूरे का पूरा दावा कामिल खुदा होने का है कामिल सच्चाई और हमेशा की ज़िंदगी जो बाप के साथ है वो कहता है मैं हूँ क्योंकि मैं और बाप एक हैं बाप तक यानी कामिल सच्चाई हक और हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता भी मैं ही हूँ दूसरे लफ्जों में यूँ कहा जा सकता है कि वो कहता है कि मंजिल भी मैं हूँ मैं तुम्हारा हम सफ़र भी हूँ मैं राह चलते हुए तुम्हें भटकने नहीं दूँगा लेकिन शर्त यह है कि मुझ पर ईमान लाओ मुश्किल दुखों और मौत के रास्ते में मेरे साथ वफादारी से चलो अब पाशकई अयाम का एहसास रखते हुए ये जानते हुए कि खुदा मसीह जो हमारी खातर मर गया था वो मर्दों में से जी उठा है अब हमें दावत है कि हम उसके कलमात पर ईमान लाएं और भरोसा रखें और ये अब हमारा काम है कि उसके साथ चलें वफादारी और यकीन से चलते रहें जैसे वो मौत पर गाले आया और दोबारा मरने का नहीं वैसे हम भी जी उठेंगे और हमेशा की ज़िंदगी में बाप और बेटे और रख उसके साथ रहेंगे उस कामिल सच्चाई को पा लेंगे जब उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है क्योंकि हम भी उसकी माने हो जाएंगे अब हमें आज की दूसरी तलावत के मुताबिक अपने रद्द किए जाने अपनी मुसीबतों में घबराने की ज़रूरत नहीं लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है जैसे मुकदस पत्रस कहता है कि हम खुदा की चुनी हुई कौम हैं हम शाही कहाानत हैं हम मुक़दस कौम है हम मराज की उम्म हैं लेकिन ये सब कुछ और ये तमाम बातों का फ़जल रखते हुए हमें उसकी खूबियाँ जाहिर करनी हैं हमें तरीकी तारीखी के नहीं नूर के काम करने हैं और यसु मसीह को अपना नूर मानते हुए उसकी रफ़ाकत में चलते रहना है ताकि नूर में चलते हुए हम कहीं भटक नहीं सकेंगे हम अपनी मंजिल से दूर नहीं जा सकेंगे हम सही रास्ते पर चलेंगे इस सफ़र में चलते हुए हमें आज की पहली तलावत के मुताबिक अपने अपने बुलावे को ध्यान में रखना है लेकिन इस बुलावे में बहुत सारे और लोगों को शरीक भी करना है रसूल अपने कलाम और अपने बुलावे के मुताबिक कहते हैं मुनासिब नहीं कि हम कलाम की खिदमत को तर्क करके दस्तरखानों की खिदमत करें लिहाजा कलाम सुनाना कलीसिया की कलिसिया के रसूलों की कलसिया के बिशब साहिबान की कलसिया में तमाम कहनों की क्लिसिया में मुबशरिन की क्लिसिया में तमाम लोगों की एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है इसके साथ ही साथ कलसिया जब आज हमें यह दावत भी देती है कि क्लिसिया के अंदर शमास यानी डीकन होने की खिदमत के लिए भी अपने आप को पेश करें तो क्लिसिया में इसको जिस भी तरह की खदमत के लिए पेश किया जा सकता हो अपना आप पेश करें उस क्लिसिया की तरफ से किसी भी ज़रूरतमंद को वो ज़रूरत चाहे रूहानी या जसमानी हो उसे नज़रअंदाज नहीं करना लेकिन अपने साथ और हम खिदमतों को लेकर चलना है उनकी हौसला अफजाई करना है और उनकी तरबियत का काम भी मुकम्मल करना है क्या मैं तैयार हूँ कि जब और जैसे खुदा मुझे चुनता है मेरे ख़ानदान में से किसी को चुनता है तो मैं क्लिसिया के कामों में ही हिस्सा लूँ जैसे मैंने पहले कहा कलाम सुनाने की खिदमत के लिए और उसमें पहल हर इतवार को हर रोज़ ख़ानदान में या गिरजा घर में तलावत करना दूसरी बात खुदा की दी हुई नहमतों में से बचाकर कर ज़रूरतमंदों की खिदमत करने के लिए तैयार रहना अपने घर की और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की ज़रूरतों में से वक्त निकाल कर गिरजा घर की सलामती के लिए गिरजा घर की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत और कोशिश करना खुदा की क्लिस के काम को जिसका मतलब ममन और बच्चों की मानी तरबियत के काम को तकमील तक पहुँचाने के लिए अपने आप को पेश करना और वो सब जो इस खदमत में हैं उनके साथ मददगार होना क्वायर के साथ मिलकर गीत गाना क्वायर में शरीक होना और कौन कौन से काम हैं जो कुलसिया करती है जो कुलसिया को करने चाहिए उसकी एक तवील फहरिस्त हो सकती है लेकिन चाहिए कि तमाम ममन वालदैन मुनाद साहबान का सब मिलकर ऐसे नौजवानों की तलाश करें और ऐसे नौजवानों को हौसला दें जैसे पहली तलावत में हमने सुना है जो नेक हों जो रूह से भरे हुए हों जो ख़ुदा की हमत से मामूर हों जो क्लिसिया के साथ और कलसिया के अंदर हर तरह की खिदमत के लिए तैयार हों ज़रूर है कि हम सब यस्ु मसीह के साथ वाबस्तार रहें उस पर ईमान लाएं, उसे अपने लिए राह हक और ज़िंदगी जान कर उसको पा लेने और उसके साथ चलते रहने की ख्वाहिश और जज्बे से भरपूर हूँ इसलिए रामस और के कहने के मुताबिक ये जान लें कि यीशु मसीह हमारी मंजिल है बाप तक पहुँचने का रास्ता है हम उसके साथ चलें तो बाप की रफाक़त तक पहुँचें वो तो बाप के साथ मिलकर हमारी कामल सच्चाई है वो बाप की खुदा की कामल सच्चाई इंसानी सूरत में साका सूरत में हमारे सामने है हम उसको पहचानें और हम उस जस्मानी साकारा ज़िंदगी से उसकी रूहानी अजली और अबदी ज़िंदगी में हिस्सेदार हो जाएं, हम उसकी कामल सच्चाई को पहचान लें और उसकी कामल सच्चाई में रहते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारस बने आप सबको आज का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो